निष्काम कर्म वाली बात हो गई कि भाई अपना काम करते जाओ और बस इन वही फिलोसफी काफी ज्यादा पढ़ ली थी ऑप्शनल के लिए। सही है। नहीं, वो फिलोसफी यूज कर पा रहे हो, वो ही बहुत अच्छी बात है, खाली पढ़ने से नहीं होता है। हाय गाइस, माय नेम इज अनुज जिंदल, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, मिस्टर रवि, हु हैज क्लियर्ड आरबीआई एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस रवि ऑन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। बहुत सारे थैंक यू अटेम्प्ट्स अनुज। लगे हैं और बहुत लंबी जर्नी रही है रवि की, और इससे हम बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं रवि से, क्योंकि उनकी जर्नी हमें बताती है कहीं ना कहीं कि परसिस्टेंस से और कंसिस्टेंसी से देर आर चांसेस दैट यू माइट सक्सीड एंड यू विल सक्सीड। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दी फेज वन एंड फेज टू, और इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने से पहले, आई वुड वॉन्ट कि थोड़ा सा तुम इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, अबाउट योर एजुकेशन, एंड आफ्टर दैट हाउ हैव यू हाउ डिड यू गेट इन टू गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और उसमें क्या हुआ है अभी तक। हेलो, आई एम रवि कुमार। सो इनिशियली इन माय एजुकेशन आई स्टडीड इन दिल्ली टिल माय स्कूल लेवल एंड आफ्टर दैट आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। सो आफ्टर दैट आई डिडंट गेट अ प्लेसमेंट, सो आई डिडंट रियली स्टडी इन कॉलेज, सो आई डिडंट गेट अ प्लेसमेंट। सो ठीक है, आई देन थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेट एग्जाम फॉर पीएसयूज। सो अराउंड द ईयर आई डिड By that time, ठीक है, SBI notification came, so I gave the exam, I cleared it. So then I ठीक है, I should join it, I joined it. So ठीक है, around 6 to 8 months I worked there. After 6 months, I gave my notice and started preparing for civil services UPSC. So for 2-3 attempts, I did solely that, and then around 2018, I gave RBI as well. Since then, I'm giving RBI as well. And currently, I am working in National Housing Bank. ओके, परफेक्ट। रवि, एक क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक सबके दिमाग में चल बिल्कुल। रहा होगा ये क्वेश्चन कि वर यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि भाई ये इतना लंबा गैप जो है वो क्यों है और क्या किया इसमें, एंड व्हाई डिड यू लीव एसबीआई? दिस माइट हैव बीन अ नो, क्वेश्चन। आई वॉज नॉट आस्क्ड this question, but even if it was asked, so like why I left SBI, because I wanted to prepare for civil services. So, itna bada gap, and that time I was preparing for civil services. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इतना बड़ा गैप है, कैसे करेंगे डील इससे, हाउ विल वी कन्विंस दी। डिड यू हैव दैट प्रिपरेशन इन माइंड? I had that one thing, I had that preparation in mind. Another thing is that interview marks are not solely decided based on one question. They'll talk to you for 15 to 20 minutes. This time it was much shorter, and 10 to 12 minutes. And based on that entire thing, how calm you remain, how you answer, all those entire thing, they are going to give you marks, not just on one question. Besides that, interview is just one part of it. If they give some less marks in here, in the mains, if you get a better score, you can cover it up there. So don't worry about one or two small things. Focus on studying small parts daily. Yes, very well said, very well said. Now coming back to phase one, तो फेज वन से स्टार्ट करते हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ऑल दो सी सैट वगैरह के थ्रू काफी तैयारी वहां पे हो रही होगी रेगुलरली, और एक बार हो जाता है तो वो कवर हो जाता है, बट वॉज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू डिड फॉर आरबीआई, या फिर सी सैट की भी तैयारी करी तो किस तरह से की थी? मेरा यही था कि मैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी, स्कूल में भी मैथ्स ही था मेरे पास, तो मैथ्स बेसिक्स मेरे हमेशा से क्लियर थे। स्कूल लेवल पे भी इंजीनियरिंग में आईआईटी में हो गया था, बेसिक्स क्लियर थे। उसके बाद ठीक है, जैसे पहले एसबीआई का भी दिया था, बीच में सी सेट की भी थोड़ी बहुत हो जाती है, उसमें बेसिक्स क्लियर है, बस प्रैक्टिस करते रहो। जैसे एसबीआई के लिए एक बुक ले ली थी मैंने, बट ठीक है, इट वॉज 2015 और समथिंग। जब आरबीआई के लिए स्टार्ट किया, तो आई जस्ट पिक द टेस्ट सीरीज एट रैंडम एंड आई did those tests. In the first half, in my RBI first attempt, I gave one of banker's data, and this time I gave one of that practice mock.
सो अराउंड 20 समथिंग टेस्ट दे दिए मैंने, उसी से हो गया था. देन मैथ्स एंड रीजनिंग जस्ट द प्रैक्टिस. इंग्लिश ठीक, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सिंस 6-7 इयर्स. तो ठीक है, इंग्लिश इज टेकन केयर ऑफ बाय दैट पार्ट. फॉर करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली आई डिड क्लाउड अफेयर्स मैगजीन फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स. ठीक है ठीक है. एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एनएचबी की यू आर वर्किंग आल्सो साइमल्टेनियसली इन नेशनल हाउसिंग बैंक, तो हाउ आर यू मैनेजिंग योर जॉब प्लस यूपीएससी प्रेप प्लस आरबीआई प्रेप? वाज देयर अ स्पेसिफिक डेली रूटीन दैट यू हैड? स्पेसिफिक डेली रूटीन और लाइक स्टडी, यू हैव टू स्टडी डेली, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. So initially 1-2 hours you can get in the morning, like you can read news. For UPSC I used to read newspaper. For RBI newspaper was ठीक, I left it for some time. So एक डेढ़ घंटा सुबह निकाल लो, एक डेढ़ घंटा ठीक है शाम को निकल जाए, and then weekend on weekend you give 4-5-6 hours. तो यहाँ पर consistency है. Yes yes. Yeah, consistency ठीक है. थोड़ा थोड़ा टाइम आपको डेली निकालना पड़ेगा. That is very important. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खाली दिन में पढ़ते हैं, मान लीजिए सुबह पढ़ लिया 2 घंटे, तो लगता है यार अब यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आई होगी. जो स्टूडेंट आज शुरू कर रहे तैयारी और साथ में बैंक में काम कर रहा है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि यार 2 घंटे में तो बहुत कम सिलेबस पूरा हुआ है, तो किस तरह से मैनेज? उसमें ये बात है, देखो अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपने बैंक का एग्जाम भी क्लियर किया है. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपकी अच्छी है तभी आपने किया है. उसी की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो. आप वीक में 2 टेस्ट दे दो, 3 टेस्ट दे दो सुबह शाम में करके. संडे होगा ठीक है, मेरे को एडवांटेज था कि ठीक है सैटरडे संडे दोनों ऑफ थे, पर जितना टाइम मिल रहा है आपको उसमें जितने मेहनत कर सकते हो कर लो. मॉक टेस्ट दे गए इंग्लिश में, ठीक है करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन ही पढ़नी है. तो उसमें ठीक है उसको निकाल दो. क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तभी आपने बैंक का क्लियर किया है. एग्जैक्टली. तो आपको बस फेज टू की तैयारी, हाँ फेज टू की तैयारी करनी है आपको बस. लेट्स कम टू फेज टू नाउ. फेज टू में ईएसआई फाइनेंस मैनेजमेंट, ईएसआई तो चलिए ठीक है यूपीएससी से हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह किस तरह से तैयारी करी? फाइनेंस मैनेजमेंट के पास जैसे मेरा एक फ्रेंड प्रिपेयर करता था तो उसके पास नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने वही ले लिए नोट्स एंड देन उसी को ठीक है पांच छह बार पढ़ लिया तो रिवाइज हो गया. तो बस नोट से ही पढ़ के गए, किताबें वगैरह बुक्स वगैरह नहीं उठाई फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए? बुक्स देखो अगर आपके पास टाइम है तो आपको उठानी चाहिए. बट ठीक है जैसे कम टाइम था तो वही ठीक है, पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं था ठीक है नोट से ही निकल गया काम. लेकिन अगर आप फुल टाइम इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन ठीक है यू कैन रीड द बुक्स. ओके. चलो इंटरव्यू पे आते हैं. इंटरव्यू में वर देयर एनी स्पेसिफिक बाउंसर्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या फिर इंटरव्यू में किस टाइप का इंटरव्यूअर का फोकस था? इंटरव्यूअर में जैसे मेरा ठीक है जैसे अभी मैं नेशनल हाउसिंग बैंक में काम कर रहा हूँ तो उनका पूरा इसके सुपरविजन और रेगुलेशन पे ही चल रहे थे. सो माय एंटायर इंटरव्यू वेंट ऑन एनबीएफसी रेगुलेशन एंड दैट पार्ट. एनबीएफसी रेगुलेशन पे पूरा इंटरव्यू चला था. हाँ. तो मतलब इंटरव्यू में जो बायोडेटा फॉर्म है, जो भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. हाँ इंटरव्यू में वही बात है ना कि इट्स अबाउट यू. तो आप दिन में मैक्सिमम काम जिस टाइम पे कर रहे हो उसी बारे में बात होगी. उनको अपने बारे में बताना है वहां पे. यस एग्जैक्टली. एनीथिंग स्पेसिफिकली रवि दैट यू वुड वांट टू मेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स? कोई एक बात या कोई एक टिप जो देना चाहोगे जिससे कि यूपीएससी आरबीआई के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके? उसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप यही है कि ठीक है जितना आपके पास ज्यादा ज्यादा मिल रहा है उतनी मेहनत कर लो. जितनी मेहनत करोगे कहीं ना कहीं हो जाएगा. हाँ. इधर ठीक है एग्जाम कब आएगा, नोटिफिकेशन होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा,
वो सब ठीक है, जब होगा तभी होगा, तुम्हारे चिंता करने से जल्दी कम नहीं होने वाला। हाँ जितना टाइम में पढ़ लो, अगर फटाफट हो जाएगा तो तुम्हारी तैयारी अच्छी है, हाँ अगर लेट होगा तो तुमने इतने टाइम में पढ़ा है तो तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो गई कि वो ऐसे निकल जाएगा। ये नहीं निकलेगा ठीक, आरबीआई नहीं निकला तो सेबी आता है, सेबी हर 2-3 महीने में एग्जाम आता ही रहता है कोई ना कोई, तो कोई ना कोई निकल ही जाएगा, बस पढ़ते रहो मेहनत करते रहो। ये एक बहुत बढ़िया अप्रोच है जो बताई है रवि तुमने, और सरप्राइजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर पाते इस चीज को कहीं ना कहीं, इसीलिए वो एक साइकिल में फंस जाते हैं कि यार पता नहीं एग्जाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, और हम जितना भी बताते हैं घूम फिर के बात वहीं वही आ बात जाती है है। ना कि ये, हाँ ये साइकिल ठीक है चलती रहेगी, लेकिन होगा तो भी नहीं होगा, आपको काम तो सेम करना है, तो इस बात की चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान मतलब जितना यहाँ पे रख पाओ, निष्काम कर्म हाँ वाली बात हो गई कि भाई अपना काम करते जाओ और बस इन वही। फिलोसफी काफी ज्यादा पढ़ ली थी ऑप्शनल के लिए सही है, नहीं वो फिलोसफी यूज कर पा रहे हो वो ही बहुत अच्छी बात है, खाली पढ़ने से नहीं होता है। चलो बहुत अच्छा लगा बात करके रवि तुमसे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कांग्रेचुलेशंस धन्यवाद अगेन। अनुज, आपको भी अच्छा करो काम। चलिए थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू बाय बाय। अनुज, ओके।